अब पता चलेगा भाई संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है। टेंशन में आ गए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भैया, समझाने का प्रयास करें, आप समझने का प्रयास करिएगा। ये संघ सूची क्या है? अब भैया संघ सूची का मतलब होता है कि संघ ने हमने बताया ना भाई, संघ का मतलब मैंने बताया पहले से, संघ का मतलब होता है कि जो राज्य है यानी सबका एक होता है यूनियन संघ। तो जो केंद्र सरकार जो नियम बनाता है, कानून बनाता है, क्या बनाता है, कानून बनाता है, जो संघ केंद्र जो है, केंद्र अपना अपना कानून बनाता है, कानून का नून कानून बनाता है, बनाता है, वह किस में रखा जाता है, संघ सूची में रखा जाता है। क्लियर? जो केंद्र सरकार अपना कानून बनाता है उसे संघ सूची में रखा जाता है। क्लियर हुआ? कोई समस्या नहीं ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं राज्य सूची क्या है। तो राज्य सूची का मतलब कि जो राज्य सरकार अपना कानून बनाता है, जो राज्य सरकार सरकार अपना अपना कानून बनाता है, कानून बनाता है, उसे किस में रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया है। अब बात करेंगे राज्य सूची में क्या है, इसको भी बारे में बात करेंगे, पहले इसको हम समाप्त करते हैं। अब समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची में क्या होता है, जिसमें संसद और राज्यसभा, ठीक है, दोनों भाग लेते हैं, यानी संसद 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 और राज्य राज्य, ठीक है, और कहें तो विधानमंडल विधानमंडल मंडल, ठीक है, ये मिलकर ये बनाते हैं, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर जो अपना नियम और कानून बनाते हैं उसे हम समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। कोई समस्या है, कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। मैंने बताया कि जो संघ होता है, संघ सूची होता है, वह केंद्र केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है। जो राज्य सूची होता है, जो राज्य सरकार अपना नियम कानून बनाता है, और समवर्ती सूची में जो संसद और राज्य दोनों मिलकर यानी विधानमंडल मिलकर जो नियम बनाते हैं उसे हम समवर्ती सूची में रखा जाता है।